डर ना आसमान को छुआ था। कोविड का केस एकदम डाउन था एंड डर आसमान को छू रहा था। लेकिन जब कोविड का केस आसमान को छू रहा है तब डर एकदम लो में है। इससे वो डर कहाँ चला गया वो पता नहीं। जैसे कि हमारे पीएम बोलते हैं अगर आपने वैक्सीनेशन दो डोज ले लिए हैं तो ये नहीं कि हमने दो डोज वैक्सीन ले ली है अब मुझे कोरोना नहीं होगा, अब मैं मास्क के बिना घूमूंगा, ऐसा ऐसा नहीं। जैसे कि हमारे पीएम बोलते हैं दवाई भी और। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्वी एंड तन्मय। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी पेंडेमिक यानी कि जो भी महामारी होती है उसकी 3 वेव्स होते हैं यानी कि 3 लहरें होती है जिसे हम हिंदी में लहर बोलते हैं। तो जो ये भी कोविड-19 पेंडेमिक है उसके भी 3 वेव्स आए 2020 में कोविड-19, 2021 में डेल्टा, और अभी 2022 में 2022 में अभी ओमिक्रॉन आया है। तो हमें पता है कि जो डेल्टा है उससे कम खतरनाक है ओमिक्रॉन। अगर आप घर पे भी हैं तो अगर आप क्वारंटाइन होते हैं या फिर तो आप काढ़ा पीजिए ये सब अगर आप लेते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो डेल्टा था वो खतरनाक था लेकिन वो ओमिक्रॉन की तरह ज़्यादा देर तक हवा में नहीं रहता था। इसलिए डॉक्टर ने कहा था अगर आप 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे तो अगर कोई संक्रमण व्यक्ति छींकता खांसता या चिल्लाता है तो उसके मुंह से जो भी वायरस निकलता है वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी ओमिक्रॉन काफ़ी देर तक हवा में रह सकता है और ये काफ़ी दूर तक रहता है यानी कि काफ़ी दूर तक जा सकता है। अगर कोई भी संक्रमण व्यक्ति है इससे अगर वो यानी कि इससे अगर वो झेल रहा है इससे सफ़र कर रहा है तो इस कोविड-19 की तरह इसके सिम्टम्स हैं। और अभी 1 महीने पहले जो इंडिया में ओनली 23 केसेस थे ओमिक्रॉन के और अभी उससे बढ़ गए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो ओमिक्रॉन था नवंबर एंड दिसंबर में एकदम लो में था लेकिन फिर जैसे 2022 दिसंबर लास्ट तक वो उसने ऐसी छलांग मारी मतलब कि इंडिया में भी जल्द बहुत तेज़ी से केसेस। तो गाइस डॉक्टरों की रिसर्च के अनुसार वो कहते हैं कि जो अभी अभी रोज़ देखिए 2 लाख केस कभी 1.5 लाख केस ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो अगर हम लापरवाह रहेंगे ना अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो क्या होगा कि रोज़ 10 लाख 20 लाख ऐसे केसेस आएंगे। तो ऐसा करने से देखिए हमारे देखिए हाँ डॉक्टरों को कुछ नहीं वो तो हमारा ट्रीटमेंट करेंगे बट हमें अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए ठीक है। और देखिए अगर आप घर पे भी हैं तो भी आप मास्क लगा के रखिए क्योंकि मास्क ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इससे प्रोटेक्ट कर सकती है ठीक है। अगर आप 2-4 लोग हैं अगर आप बात कर रहे हैं घर में तो आप मास्क लगा के रखें क्योंकि अगर आप बोलते भी हैं छींकते हैं अगर आपकी तबीयत ख़राब है या फिर जो भी अगर आपको फीवर है तो जो भी वायरस होगा वो बोलने से अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो वो बाहर तो जाएगा ही बोलने से। गाइस डॉक्टरों की ये भी सलाह है कि अगर अभी इस ओमिक्रॉन में ये जल्दी फैलता है तो आप डबल यानी कि 2 मास्क लगा के रखें, डबल मास्क, और अपने जो घर के दरवाजे खिड़कियां खुला रखें यानी कि वेंटिलेशन जो है वो खुली रहनी चाहिए ताकि अगर वायरस यहाँ घर में भी है तो वो हवा की तरह ट्रैवल करके बाहर जा सके ठीक है। देखिए कोई भी ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम या कैसा भी लगता है तो आप अपना तुरंत टेस्ट करवाइए। ये मत सोचिए कौन क्या बोलेगा अगर वो निकल गया तो मुझे दवाइयाँ, ये नहीं। इसके लिए नॉर्मल टैबलेट्स आती हैं पैरासीटामोल विटामिन सी इस टाइप का जो कोई भी मेडिकल में अवेलेबल है। आप कोई भी अपने नज़दीकी मेडिकल में जाकर आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ भी फील होता है। और दवाई जब आपको मिल जाती है तो आप एक रूम में क्वारंटाइन हो जाइए क्योंकि देखिए अगर आप सबके साथ मिलेंगे आप सोचेंगे कि नहीं अगर मुझे किसी ने बोल दिया तो आप सबके साथ मिल रहे हो और आपका सर्दी बढ़ गया फिर आप चेक कराते हो तो तब तक तो आप बहुत लोगों से मिल चुके हो ना। तब तो ऐसे भी बढ़ मतलब कि ऐसे आप किसी से मिलते हो तो बिना मास्क के तो उससे भी तो उसको भी संक्रमण हो सकता है ऐसे ही और आपकी फैमिली को संक्रमण हो जाएगा आपके बच्चों को संक्रमण हो जाएगा। इसलिए आप जल्द से जल्द अपना टेस्ट कराइए डेली एक सप्ते में आप करवाया कीजिए। अगर आप किसी से भी मिलते हैं और अगर उसे फीवर या कुछ भी है तो आप अपना तुरंत टेस्ट करवाइए। और हाँ जैसा कि कोरोना में बताया गया था कि
आप जल्दी से वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो ओमिक्रॉन है ये इस पे जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो इस पे काफ़ी काम करती है। अगर किसी को ये किसी वैक्सीनेशन जिसका टूबल मतलब कि टोटल डोज है, दो डोज है कम्प्लीटली, और अगर उसे वो होता है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये एडल्ट को ज़्यादा, ये एडल्ट पे ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बट ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो बच्चों घर के अंदर ही रखें, क्योंकि देखिए अभी आप देखेंगे बाहर में, अभी झारखंड में तो नाइट कर्फ्यू हो चुका है, और जो 6 के ऊपर जो स्कूल खुले थे वो भी अभी बंद हो गए हैं। और ये जो महामारी है, जो पेनेडेमिक है, इसकी वजह से जो भी बिजनेस चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड को इसने अपने चपेट में ले लिया है। और अगर हम फिर से लापरवाही करेंगे तो ये फिर से बढ़ने लगेगा। तो इसलिए मास्क लगा के रहें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें आधे घंटे में, और 20 सेकेंड तक हैंड वॉश करते रहें, क्योंकि अगर आप 20 सेकेंड खाने से पहले आप हैंड वॉश कीजिए और गर्म पानी पीजिए। एंड सबसे एंटीबायोटिक जो चीज़ है वो आपके घर में, हल्दी, आप रोज़ हल्दी का दूध पीजिए। देखिए दूध हर किचन में होता है, हल्दी हर किचन में होता है, सबसे बड़ा एंटीबायोटिक। आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दवाई आप ये हल्दी का दूध पीजिए, गर्म दूध पीजिए, हल्दी का गर्म दूध पीजिए और काढ़ा पीजिए। सबसे बड़ी दवाई जो है ना वो काढ़ा है। हाँ थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कड़वी नहीं हो सकती है। ये देखिए अगर आपका ये काढ़ा, ये हल्दी का दूध अगर आपकी पूरी जो लाइफ है उसको आप सेव कर रहे हैं, यानी कि उसे सेव कर रहा है, तो वो इतना कड़वा नहीं है काढ़ा कि अपने आपके लाइफ से भी ज़्यादा वो कड़वा नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि देखिए आप लोग मास्क पहनिए, डबल मास्क पहनिए, 2 गज़ की दूरी बनाए रखिए, और जब तक कुछ इम्पोर्टेंट या कोई इमरजेंसी ना हो घर के बाहर ना निकले। एक सैनिटाइज़र आप कहीं पे भी जाते हैं तो अपने साथ रखें, और कहीं से भी आते हैं तो अपना हैंड वॉश करें, और अपने फैमिली के साथ मास्क पहन कर ही। कोविड का मतलब कि जब डर ना आसमान को छुआ, तो कोविड का केस एकदम डाउन था, एकदम डाउन था, एंड डर आसमान को छू रहा था। लेकिन जब कोविड का केस आसमान को छू रहा है तब डर एकदम लो में है। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना कि कोविड एक नॉर्मल बुखार जैसा हो गया है, लेकिन हमें तब तक कोविड को सीरियसली लेना है जब तक ये पूरी तरीके से डाउन में नहीं आ जाता है। क्योंकि देखो कोविड काफ़ी खतरनाक है, हम लोग जानते हैं। जब शुरू में जब हम लोग नहीं जानते थे कि कोविड क्या है, तब हम लोग इतना हमारे जो मतलब कि जो माइंड में इतना डर रहता था, और जब कोविड का केस बढ़ गया तो हमारा जो वो माइंड से वो डर कहाँ चला गया वो पता नहीं। जैसे कि हमारे PM बोलते हैं, अगर आपने वैक्सीनेशन 2 डोज ले लिए हैं तो ये नहीं कि हमने 2 डोज वैक्सीन ले ली है अब मुझे कोरोना नहीं होगा, अब मैं मास्क के बिना घूमूंगा, ऐसा ऐसा नहीं कीजिए। बिकॉज देखिए जिसको भी अगर आप वैक्सीनेटेड है ना फुली डोज, अगर आपके पास बूस्टर डोज भी है ना तो भी आपको संक्रमण हो सकता है। तो इसलिए मास्क पहनिए, और जैसे कि हमारे PM बोलते हैं, दवाई भी और कड़ाई भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगर मेरी कोई भी न्यू वीडियो है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।